मनुष्य का व्यवहार बड़ा जटिल है। ऊपर से भावों का ज्वार भाटा हमेशा बना ही रहता है। कई बार समाज में अनूठे और विचित्र व्यक्तित्व देखने में आए हैं। कई पुरुष स्त्रियोजित व्यवहार तो कुछ स्त्रियां पुरुषों जैसा व्यवहार करती हुई नजर आती हैं। यह सामान्य घटना है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से असामान्य है। Television is an audio-visual medium, whereas radio is only an audio medium. And ma'am, radio is portable, whereas TV is not portable. And ma'am, radio is cheap as compared to TV. Okay, very good. Sit. Now today we will be learning about the characteristics of radio. Radio, as we know, that it is one of the cheapest medium. नवनीत कक्षा में खूब पढ़ता है, बहुत होशियार है, लेकिन दूसरे छात्र छात्राओं की हंसी और प्रताड़नाओं का शिकार है। उसका व्यवहार अन्य लड़कों जैसा नहीं है, वह सामान्य होते हुए भी सामान्य नहीं। लड़कियों जैसे नहीं है, तू तो बात भी उन्हीं से करता है, तेरे दोस्त भी वही है, तू घंटों तक उनसे बात करता है, तूने कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज देखी है? अगर तू तो चलता भी लड़कियों की तरह है, आप भी उनको ऐसे हिलाता है। ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा ही। बस एक ही कसर रह गया कि समझ गया। Oh shit, I'm gonna go to the doctor.
नवनीत कोटा पहुंच गया। नंबर है क्या किसी के पास उसका? क्या कर रहा होगा वो कोटा में? अब उसने किसी से दोस्ती तो की नहीं होगी। मैं तो नंबर है उसका, फोन कर। अरे फोन लगा उसको, फोन लगाया फोन। ये मेरी बात है। हेलो नवनीत, कैसा है भाई? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है? हाँ यहाँ पे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, अगले महीने मैं बाहर भी जा रहा हूँ, मेरा एक स्कॉलरशिप एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। चल ठीक है, रखता हूँ, बाय। यह एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार की घटना है। प्रश्न ये है कि क्या इस तरह के संवेदनशील विषयों को विद्यालय, परिवार, समाज समझने का प्रयास करेंगे और क्या उचित समायोजन इस तरह के व्यवहार वाले विद्यार्थियों के साथ होंगे? हम सभी को इस विषय में और अधिक सजग तथा संवेदनशील होना होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका व्यवहार संतुलित रहे इसके लिए सभी को सार्थक प्रयास करने होंगे।